चल तनी आगे आगे पीठे ले आओ तो जस वो हो जाए तो खास हो जाए हैं मार लग गया भाई तो इस तरह से मोम बनेगा अभी जोशी को तो कॉटन बॉल का चार्ज था पुलिस के पास धीरे धीरे अपने सेंटर को पार करते हुए शॉट किस गेंद थी और इसको घुमाया स्क्वायर लेग की तरफ एक रनों के लिए खुला यहाँ पे टीम का भी जेपी का भी अगली गेंद कौन मोबाइल और यहाँ पे अनुराज ने इसको के बीच से निकाला क्या देने के लिए यहाँ पे क्षेत्र अगली गेंद अनुराज के लिए राइट हैंड ओवर विकेट और अनुराज ने यहाँ पे कदम निकाल के गेंद को डाल और इस तरह से एक रन सुपर रन अगली गेंद फिरोज की अनुराज के लिए इस गेंद को उठा कर मारना चाहते थे अनुयास और पूरी तरह से चुके इस बार अगेंस्ट इंडियंस गेंद गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया राहुल ओझा को और उनका सामना करेंगे जेपी जेपी जिनके पहली ओवर में कैच टिकती हुई इसका कितना फायदा उठाते हैं पहली बॉल राहुल कदम चलते हुए जेपी के लिए फुल टॉस बॉल खेल दिया है ऑफ साइड के दिशा में गेंद निकाले सिमर को चार राहुल ले जाके अगली बॉल ब्लॉक होल में बॉल एक अंतरिक्ष में ब्लॉक होल होता है और एक विकेट कीपर में ब्लॉक होल होता है ब्लॉक होल पड़ने से यहाँ विकेट टूट जाता है और वहाँ पृथ्वी टूट जाता है और यहाँ जेपी ने उठा के खेल दिया है डायरेक्ट स्कूली के पार सर जी के भिरी छह रन ग्यारह रन बना के खेल रहे हैं अभी राहुल ओझा चले जेपी के लिए और ये हिट करना चाहे लेकिन नाकाम रहे आकाश ने फील्ड किया गेंद को एक भी रन नहीं हुआ और एक बार फिर चले राहुल ओझा जेपी के लिए और यहाँ पे विकेट गिर गया जेपी का और छोटे छोटे कदमों से पवेलियन वापस चल दिया जेपी देखना होगा कि सुपर जायंट्स का अगला बल्लेबाज कौन है कौन आगे संभालता है सुपर जायंट्स का भागडोर देखना होगा कि सुपर जायंट्स का नेक्स्ट बल्लेबाज भूषण होंगे जो कि लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं भूषण और आते ही मारने की कोशिश किए लेकिन बीट हुए ग्यारह रन दो ओवर पावर प्ले के मात्र एक ओवर और रह गया है स्ट्राइक पन्यास रहेंगे पावर प्ले का लास्ट ओवर और देखना होगा कि सुपर जायंट्स ने कितना स्कोर कलेक्ट कर पाते हैं पावर प्ले में फरियाज नेक्स्ट बॉलर फरियाज है जो कि अनियास सामना करेंगे इनका और ये अपने छोटे छोटे कदमों से फरियाज गेंद लेके चले और अनियास ने यहाँ पे मारना चाहा लेकिन प्रकाश से मिस फील्ड हुआ और एक रन हुआ स्ट्राइक पे है भूषण अभी खाता खोलना है इनको और चले फरियाज फिर और यहाँ पे भूषण ने उठा के खेल दिया लेकिन चार रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा भूषण को और गेंद स्कूल में घुस चुकी है आईपीएल के इतिहास में पहला बार में भूषण जंगला के तरह से गेंद स्कूल में घुसा दिया है अपने पारी पे आगे बढ़ाना चाहेंगे इनके टीम का भी भरोसा किया है जो नीचे क्रम में जा रहा है तो आज चले छोटे छोटे कदमों से सामना करेंगे भूषण और यहाँ पे जो उम्मीद था वही हुआ सोनू से फिर से कैच छूट गया और जीवन दान मिला यहाँ पे भूषण को जो कि बहुत खुश है
अभी हाल ही में चौके से खाता खोले हैं अपना और नेक्स्ट बॉल पे जीवन दान मिला है उनको। कुछ कर नहीं पाए हैं, अनियास सामना करेंगे कुछ करना पड़ेगा इनको। और ये खेल दिए डायरेक्ट 4 रन, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद निकल गई। स्कोर बनता है 21 रन, सुपर जायंट्स का 21 रन। बता दें कि यहां पर जेपी का भी छूटा था कैच और फिर यहां पर बल्ले का अनियास के लिए। और यहां पे खेल दिया है डायरेक्ट अनियास ने और बैक टू बैक चौका। देखना होगा कि हैट्रिक चौका लगा पाते हैं अनियास या नहीं। हैट्रिक चौके पे है अनियास और फरियाद चले अनियास के लिए। और ये सक्सेस हुए अनियास हैट्रिक चौका लगाने में। शानदार बल्लेबाजी कहानी होगी अनियास का, हैट्रिक चौके लगा के रन स्ट्राइक पे है। यहाँ पे पावर प्ले खत्म हो चुका है और 29 रन, 3 ओवर के समाप्ति पे 29 रन सुपर जायंट्स। और ये चौथा ओवर बॉल है मकसद के हाथ में, जो कि बहुत ही छोटे उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामा कर रहे हैं मकसद। और स्लो डिलीवरी आसानी से बीट कर रहा है भूषण को। हर्षल पटेल से मिलता जुलता अभी अनियास के लिए फिर से डिलीवरी खेलना चाहते थे। अगली बॉल जैसा शरीर जैसा नाम वैसा काम कर देते हैं अनियास के लिए। मकसद की अगली बॉल अनियास के लिए, अनियास सामना करेंगे फिर उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद थोड़ी नीचे रहती है कीपर के दस्तानों में। ओवर का समाप्ति हुआ है, 4 ओवर के समाप्ति पर उसको 37, 1 विकेट के नुकसान पर जो जेपी और इनका सामना करेंगे भूषण। 5वें ओवर की प्रगति पे स्कोर 37, 5वें बल्लेबाज हैं भूषण ऋषि भूषण के लिए। और यहाँ हिट करना चाहे बीट हुए भूषण पनिया शानदार और वाइट भूषण अभी भी 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे चला। फिर और ये फिर वाइट लगातार 2 वाइट दे चुके हैं। इनका छूट चुका है ऋषि 5वें ओवर की पहली बॉल लेके। अब तक 2 वाइड करार दे चुकी है भूषण के लिए। बॉल फील्ड की बॉल कीपर के दस्त से 5वें ओवर की दूसरी बॉल लेके भूषण के लिए। फील्ड की बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर पर यहां पे एक अपील होता हुआ ऋषि अपने ओवर के अगली बॉल लेके भूषण के लिए। और ये फिर एक शानदार बॉल लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर कराया जाए। फिर ये छकाती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में भूषण को समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक बैट्समैन। ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है तो अपने अंदर अभी आत्मविश्वास लाना जरूरी। और यहाँ लगा दिया है भूषण ने लंबा छक्का लगा तो और फिर चले ऋषि अपने छोटे छोटे कदमों से भूषण के लिए। और लेग साइड का मन बना चुके थे यहाँ पे बीट हुए भूषण। शानदार बॉल, इनको गेंद समझ में नहीं आ रही है लेकिन पिछले गेंद पे छक्का लगा चुके हैं ऋषि के पास।
देखना होगा अगले गेंद पे क्या करते हैं भूषण। पांचवें ओवर की अगली बॉल भूषण के लिए और यहाँ पे फुलटस पे कैच हो गया, पिंटू ने ले लिया है कैच। जितनी खराब बोल उतनी खराब, लेकिन फील्डर का लाजवाब, फील्डर का लाजवाब। ऐसा ही कल कैच अगर पापा पकड़े होते तो नतीजा कुछ और, जिम्मा समझदारी और सोच कुछ के साथ खेलते हुए अपने कोटे के दूसरे ओवर लेकर राहुल वजा सामना करेंगे। न्यास शरीर में सामना करे, तुलना करे तो दोनों शरीर बराबरी पे। अब यहाँ बॉलर भारी पड़ता है कि बैट्समैन, और यहाँ पे अनियास को जाना होगा वापस। बहुत ही अच्छे बैटिंग कर रहे थे अनियास, जो कि ओपनिंग आए थे। सुपर जायंट्स के 3 विकेट गिर चुका है। छवे ओवर की प्रगति पे राहुल के कोटे के ये दूसरा ओवर की दूसरी बॉल सामना करेंगे जितेंद्र। फिर एक बढ़िया बॉल इसे खेल दिया कवर के निशाने के, अच्छी बॉल, अच्छा रहा कवर का फील्डर काफी वाइड था जितेंद्र के लिए। ये फुल एंगल की बॉल और ओवर भी खेल दिया, छह छह रन काफी। राहुल की अगली बॉल जितेंद्र के लिए सम्मान दिया पर बढ़ता हुआ 56 रन जितेंद्र 3 गेंदों में 10 रन बना के खेल रहे हैं। ये फुल टॉस की बॉल और यहाँ पे मिसफील्ड होता हुआ सोनू से, इसका अंदर दिया जाए एक रन। स्ट्राइक पे छोटा नए है जो कि पिच कोड पारी खेलते हैं और आते ही मारने की कोशिश किए बीच हुए बॉल और बैट से नो कनेक्शन। स्कोर अभी भी 53। जितेंद्र के लिए ऋषि छोटे घर के प्लेयर बढ़िया बॉल ओवर भी बॉल जिसे खेल दिया है ऑफ साइड लंबा पे है वहां पर मटरू गैदर कर रहे हैं बॉल एक रन। स्ट्राइक पे फिर से छोटे ना चुके हैं बता रहे स्टंप पे जो गीली हवा से गिर रहे हैं एम्पायर सर उसको ले सकते हैं। और छोटन काफी खुश लग रहे हैं यहाँ पे मूड में है पूरा छक्का लगाने का और इसी चले यहाँ पे छोटन के लिए और छोटन ने हिट करना चाहे और बीट हुए और जोरदार अपील देखना होगा एम्पायर का इशारा नॉट आउट यहाँ पे। अपना कला भी कर सकते हैं और हार्ड हिटिंग के पावर में अभी भी अजय बाकी है। आप कैच छोड़ रहे हैं मैं छोड़ रहे हैं ऋषि काफी शॉर्ट बॉल और आप स्टंप से बहुत ही वाइड ऋषि जितेंद्र के लिए तीर शॉर्ट बॉल गेंद नीचे रहते हुए खेला है कवर के दिशा में राकेश फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे गेंद पहुंचाई जा रही है ऋषि के पास। स्कोर बढ़ता हुआ 96 छोटन जो अपने लय को धीरे धीरे बरकरार करते हुए इस ओवर में कुछ ना कुछ तो घटित होगा। छोटन है स्ट्राइक पे बॉलिंग ऋषि फिर शॉर्ट बॉल खेल दिया कवर की दिशा में सीधा हाथ में गेंद और एक रन काफी ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करा रहे हैं ऋषि। उनको पता उठा दिया है गेंद जा रही है और वहां पर मशरूम फील्डिंग कर रहा है और फिर एक कैच छूटा हुआ गजब का फील्डिंग है भाई। हम टीम ओनर से बात कर रहे हैं जो भी केला से लाए हैं उनको आप रिटर्न कर सकते हैं। छोटन के लिए काफी शॉर्ट बॉल और ये छोटन ने खेल दिया है डायरेक्ट 6 रन इस गेंद बहुत ही
लोअर लेवल की बॉल थी जिसे कवर की दिशा में खेल के 6 रन बटोरा, 100 रन पूरा होता हुआ। सुपर जायंट्स ने अपना शतक लगा चुका है छोटन के सिक्स ले। अभी छोटन स्ट्राइक पे है, 10वें ओवर की प्रगति पर इसी चले छोटन के लिए। और यहाँ पे छोटन को जाना होगा वापस। अच्छा कैच किधर किया और इसके साथ एक विकेट गिरता हुआ। हम बोले तो छोटन को यहाँ पे वापस जाना होगा, शायद चोटिल है। और ये छोटन चले वापस। और जैसा ही मैंने कहा वहाँ पे कैच छोटा छक्के लगे, फिर कैच पकड़ा गया। आ रहा है कैरेबियन स्टार अंशु। साथी कमेंटेटर बड़े भैया दीपक जी को नेक्स्ट बल्लेबाज अंशु, ये भी हार्ट हिटर है और आते ही अपना दिखाए और वो उठा के खेल दिया है नीचे प्रकाश। और देखना होगा और ये शानदार कैच, बिना खाता खोले जाना होगा अंशु को। और मकसद अपना लास्ट ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के की तरफ बढ़ते हुए मकसद रहा की पहली गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर। मकसद तैयार, मकसद उसके नीचे और फिर अपना कमिया मकसद। नौजवान लड़का इस मैच का लास्ट ओवर मकसद द्वारा ओवर द विकेट उसे उठा दिया। लेकिन चुंडी देखते हैं हाई स्कूल के मैदान के बाहर और फिर अंदर आ गई और 6 रन रोहित के बल्ले से निकला हुआ है। इनके बल्ले से पहला छक्का और अपने छक्के के साथ अपना खाता खोला लास्ट ओवर। तैयार रोहित, मकसद एक बार फिर तैयार। लंबा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग का कहीं आता पता नहीं और दो गेंद और बच चुकी है। लास्ट ओवर 11 ओवर 4 गेंद हो चुकी है, 2 गेंद बाकी। अजय स्ट्राइक पे, दर्शकों द्वारा छक्के की मांग हो रही है लेकिन अंपायर ने यहां वाइड का करार दिया। अभी भी 2 गेंद बाकी, टोटल स्कोर पहुंच गया सुपर जायंट्स का 127 रन। ओवर द विकेट मकसद, 5वीं गेंद सोचो पॉइंट गेंद, उसका नतीजा अजय के बल्ले से निकला यह शानदार छक्का। और हम चाहेंगे किसी बच्चे आप बोल लेते आइए बाबू। 11 ओवर 5 गेंद 135 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर चुकी है। 133। और ये और इसी के साथ सुपर जायंट्स की पाली समाप्त। इन 12 ओवरों में 135 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और हमारे जो इस मैच का कवरेज कर रहे हैं बढ़िया मकसद नितेश क्रिकेट वाला, जो कि हमारे विकेट कीपर और हमारे स्टंप के जो पीछे हैं, जो इस मैच का कवरेज कर रहे हैं, उनके चैनल को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।